सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था तो कहां थे हमारे विधि बेटा अभिषेक मनुष्य जी और कल यही कांग्रेस जो है चीख चीख के कह रही थी कि सत्येंद्र जैन के मामले में जो ईडी ने कार्रवाई करी है दुरुस्त है आज भ्रष्टाचार के मामले में इनका नजरिया एकदम से बदल गया और तीसरी जो सबसे इंपोर्टेंट बात है कि पी चिदम्बरम साहब कुछ इसी तरह से जो आज कांग्रेस कह रही है इसी तरह से पी चिदम्बरम साहब के मामले में कहती रही एक दिन वो जेल में बंद रहे और तमाम कोर्टो को इन्होंने अप्रोच किया तमाम तरह की वो दलील देते रहे इस देश को मैं जो है वो भी भ्रष्टाचार के मामले में और मैं तो समझता हूं कि भ्रष्टाचार का अभी तक नजीर इन लोगों ने देश में इसी तरह से बनने दिया घोटाले किए दोनों हाथ से देश को लूटा उसके बाद भ्रष्टाचार करने के बाद जो है ये साफ सुथरे तरीके से बचते रहे आप देखिए ना भ्रष्टाचार के मामले में किस तरह से आज ये दस साल पुराना केस है और आज अगर इंक्वायरी के लिए ईडी ने इनको कॉल कर लिया आसमान टूट पड़ा इन्होंने पूरे देश को नाप दिया मेवानी से ममता तक बता दिया और इधर से उधर कर दिया सारी ये सारी चीजें ये ले लेके बैठ जाएंगी ये कैसे मतलब ये देश के प्रति अगर ऐसी सोच है कानून कोर्ट आपके नजर में कुछ है ही नहीं